मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर आर फाइन एंड सुपर। बेटा, हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो लास्ट लेक्चर था आपका, उसमें क्या बताया था? हाउ टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं, उसमें मैंने आपको टू मेथड्स बताए थे। बाय अनलाइक फ्रैक्शंस को हम जब लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं, और किसकी हेल्प से चेंज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू जो हमारा इसमें एक्सरसाइज 6.1 में है, वो अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या है बेटा? अरेंज द फ्रैक्शंस, अरेंज द फ्रैक्शंस इन कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। One, two, nine, two, two, four, five. Again, two, seven. Two, one, two.
कौन में 360। ठीक है, ये हमारा किससे है 5/8। ठीक है, लास्ट हमारे क्या है 270/360 और हमारा यहाँ पर लास्ट क्या बच गया 3/4। अरेंज हो गया बेटा सेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। समझ में आया? ये तो हमने किया अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके। अब इसके बाद बेटा आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो।